इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को शुरू होने वाले SCO कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां जारी हैं, जबकि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के वफूद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे खसूसी मतीन हैदर साहब ने। मतीन हैदर साहब, फरमाइएगा कि SCO के हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही इस बात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो इस कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने के लिए है। दफ्तर खारजा से मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं सर? बिल्कुल, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो कहा कि शंघाई तावन तंजीम के इजलास को खतरात लाहक हैं, ताहम इन तमाम खतरात से निपटने के लिए शंघाई तावन तंजीम का जब ये इजलास इस्लामाबाद में होगा 15-16 को, तो ये समिट होगी, लेकिन दो रोज तीन रोज कबल जो आला सती वफूद हैं उनकी आमद का सिलसिला हो जाएगा। उनकी तमाम हिफाजत के लिए जो पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स हैं उनकी जिम्मेदारी होगी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और कॉन्फ्रेंस में जो जो जिन जिन वफूद को मदू किया गया है, जो मीडिया वहां मदू होगा, उसके अलावा किसी और शख्स को वहां दाखिले की इजाजत नहीं है। मतीन साहब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।